Good morning, student. Welcome to AVN Online Classes. I am Dheeraj, your account teacher. Today we will discuss accounting ratio because last day of this week class का last day है हमारा. फिर 3 दिन accounting class नहीं होगी. तो नया topic start करने से पहले हम जो topic हमारा हो चुका है उसका ही आज revision करेंगे. Accounting ratio जो हमारा टॉपिक है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें होमवर्क जो आपको प्रोवाइड बोला था होमवर्क करने के लिए, आज डेट है 12, आज लास्ट डेट थी बॉयज के लिए. गर्ल्स के लिए 10 था लेकिन प्रॉब्लम के कारण अपना चेक नहीं हो पाया. नेक्स्ट मंडे जो आने वाला है उस दिन आप अपना होमवर्क की कॉपी सबमिट करवा देंगे स्कूल में. आप आ सकते हैं, अपने पेरेंट्स को भेज सकते हैं. आप नहीं आ सकते, अपने दोस्त के साथ अपनी कॉपी भेज सकते हैं. जैसे एक आगे 3-4 बच्चों की एक साथ कॉपी ला सकते हैं. कोई डजन नॉट मैटर, मेरे पास कॉपी आना चाहिए. जैसे अब तक हमने तनिषा की और साक्षी शर्मा दो की कॉपियां चेक हो चुकी, बाकी बचे 34 स्टूडेंट्स की कॉपियां चेक करनी बाकी. तो मंडे तक आप कैसे भी अपनी कॉपी सबमिट करवाएं इसको, और ताकि चेक हो जाए. मैं स्टैम्प करवा दूँ उनको, जिन्होंने चेक करवा दी थी वो भी सेंड कर दें, स्टैम्प करवा देंगे, उनका भी स्टैम्प करवा देंगे. तो स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग रेशियो. तो अकाउंटिंग रेशियो में आज हम थोड़ा सा रिवाइजेशन नहीं करेंगे और ऐसा कुछ नहीं है कि टॉपिक हमारा कंप्लीट है, कोर्स हमारा कंप्लीट है. मंडे से हम रिवाइजेशन स्टार्ट करेंगे और मंडे से जब रिवाइजेशन स्टार्ट करेंगे तो चैप्टर प्लानिंग बनाएंगे कौन से चैप्टर को लिया जाए. मेरे हिसाब से आई थिंक हमें डिबेंचर लेना चाहिए, 20 मार्क्स का है और 20 मार्क्स को हम छोड़ नहीं सकते. तो डिबेंचर को हम उठाएंगे. उसके अलावा भी किसी के पास कोई एडवाइस हो तो वो व्हाट्सएप पे मुझको बता सकता है कि हम ये करें ऐसा करें तो ज़्यादा बेटर. मेरे हिसाब से डिबेंचर इज द मोस्ट चैप्टर इन 12th क्लास बिकॉज 20 मार्क्स 20 मार्क्स का 1/4 पार्ट है आपका सिलेबस अकेला चैप्टर. तो उसके अच्छी खासी प्रैक्टिस हमारे पास होनी चाहिए. तो आज चलो रेशियो को कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, उन रेशियो को सॉल्यूशन करते हैं और रेशियो का कंप्लीट आज कोर्स हमारा सिलेबस तो कल ही कंप्लीट हो गया. आज रिवाइजेशन के तौर पे हम अकाउंटिंग रेशियो क्वेश्चंस की डिमांड्स क्या है, उन क्वेश्चन की डिमांड्स को आप लिखेंगे और उसके बाद उसका सॉल्यूशन. फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल्स ले लेते हैं. तो एग्जाम्पल निकाल दो फर्स्ट, इलिस्ट्रेशन फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे. तो बुक में इलिस्ट्रेशन फर्स्ट आप अपना बुक को सामने रखो, इलिस्ट्रेशन फर्स्ट निकालो. इलिस्ट्रेशन फर्स्ट क्या है, कैलकुलेट करंट रेशियो फ्रॉम द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन. आपको फ्लोइंग इंफॉर्मेशन से करंट रेशियो कैलकुलेट करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल करंट रेशियो का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या होता है करंट रेशियो का. तो करंट रेशियो का फॉर्मूला कौन बताएगा, तो मैं जिसका नाम बोलूं वो स्पीकर ऑन करेगा, करंट रेशियो का फॉर्मूला बताएगा. तो करंट रेशियो का फॉर्मूला बताएंगे आरसी मोदी. आर्ची आप स्पीकर ऑन करो, करंट रेशियो का फॉर्मूला बोलो. सर करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज. बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया. करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज.
ये तो फॉर्मूला हो गया। आरती आप बताओ करंट एसेट्स कितना है? आरती तनिषा करंट एसेट्स बताओ इलस्ट्रेशन फर्स्ट में कितना है करंट एसेट्स? 1000 कितना है? 1,34,000। बहुत अच्छे 1,34,000। देखो कैसे है, इन्वेंटरीज गिवन है, ट्रेड रिसीवेबल गिवन है, एडवांस टैक्स गिवन है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट गिवन है, और चारों के चारों करंट एसेट्स होते हैं, तो चारों प्लस किया 1,34,000। नेक्स्ट करंट लाइबिलिटीज, तो करंट लाइबिलिटीज बताएंगे हमें विशाखा। करंट लाइबिलिटीज बताओ विशाखा। यस सर। करंट लाइबिलिटीज ट्रेड के फर्स्ट में 1,04,000। बिल्कुल 1,04,000 आपकी करंट लाइबिलिटीज। क्यों? करंट लाइबिलिटीज के डिजिट्स दिए हैं, ट्रेड पेबल और शॉर्ट टर्म बोरोइंग। याद रखना शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स जो होते हैं वो करंट लाइबिलिटीज, और लॉन्ग टर्म प्रोविजन जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। और इसके ब्रैकेट में बोला भी है बैंक ओवरड्राफ्ट, इन्हीं का रेशियो निकाल लेंगे। तो कट हो गया सैम 0 कट हो गए, और 134 में 104 का डिवाइडेशन देखेंगे कितना आएगा 1.29:1। ऐसे हमारा करंट रेशियो तैयार। एक बार मुझे बताएंगे कौन? प्रिया। प्रिया आप ये बताओ करंट रेशियो का आइडिया क्या होता है? इलस्ट्रेशन 14 और 20 बता दूंगा। ओके प्रिया, करंट रेशियो का आइडियल रेशियो क्या है? 1:1। हाँ जी 1:1। प्रिया स्पीकर ऑन करो ना, और करंट रेशियो आइडियल रेशियो 1:1। वन रेशियो वन नहीं है, टू रेशियो वन। हाँ टू रेशियो वन। करंट रेशियो का आइडियल रेशियो क्या होता है? 2:1 आइडियल। जबकि ये हमारा आंसर है, आइडियल जैसा आना जरूरी नहीं है कितना भी आ सकता। नेक्स्ट देखो इलस्ट्रेशन टू। इलस्ट्रेशन टू को सॉल्व करते हैं। इलस्ट्रेशन जो सेकंड है कैलकुलेट क्विक रेशियो फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन एंड इलस्ट्रेशन फर्स्ट। इलस्ट्रेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग आपको क्विक रेशियो कैलकुलेशन करना है। सुमैया, सुमैया क्विक रेशियो का फॉर्मूला बोलो बेटे, स्पीकर ऑन करो। कोमल, कोमल शुक्ला। यस सर। हाँ क्विक रेशियो का फॉर्मूला बोलो कोमल। क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। बहुत अच्छे, ये साउंड जो है ये साउंड आना चाहिए, थोड़ा सा ईयरफोन रखो, थोड़ा सा तेज साउंड दिया। क्विक रेशियो, क्विक रेशियो फॉर्मूला लिक्विड एसेट्स या क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। लिक्विड एसेट्स कैलकुलेट होता है करंट एसेट्स में से कुछ ऐसे डिजिट्स हैं जो लेस होती है, वो डिजिट्स कौन बताएगा हमें जो लेस हो सकती है इस क्वेश्चन में? तो करंट एसेट्स में से कौन कौन से डिजिट्स लेस करो इलस्ट्रेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग? इन्वेंट्रीज और एडवांस टैक्स। बिल्कुल है, इन्वेंट्री और एडवांस टैक्स जो कितना है 54,000। 54,000 लेस कर देंगे तो कितना बचेगा? लिक्विड 80,000 अपॉन करंट लायबिलिटी। तुम्हें पता ही है 1,04,000 कटिंग होने के बाद क्या आएगा? कॉमन 0 कट, 80 में 104 का डिवाइडेशन देंगे तो आएगा 0.77:1। ऐसे क्विक रेशियो का सॉल्यूशन होता है।
इलस्ट्रेशन सेकंड, इलस्ट्रेशन देखो थर्ड। अब इलस्ट्रेशन थर्ड बस ऑरली में बोल देता हूं, आप निकालते हो। कैलकुलेट लिक्विड रेशियो, कैलकुलेट लिक्विड रेशियो करना है, फॉर्मूला लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, और आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो लिक्विड एसेट्स कैसे निकलेगी हमें बताना है, सॉल्व बताएगा तनु। तनु बताना लिक्विड एसेट्स कैसे निकलेगी, इलस्ट्रेशन थर्ड। सर करंट असेट्स में से इन्वेंटरी लेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस लेस और एडवांस टैक्स लेस। बहुत अच्छे, करंट असेट्स में से जो आपको इन्वेंटरी, एडवांस टैक्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस दे रखे हैं, तीनों ही लास्ट होने वाले डिजिट्स हैं। चार होती हैं उसमें से तीन नाम दिए इस बार क्वेश्चन में, तीनों ही लास्ट होने वाले डिजिट्स हैं। आ जाएंगे आपके लिक्विड असेट्स और करंट लायबिलिटीज दे रखा है 50,000 रेशियो निकल जाएगा। ऐसे इलस्ट्रेशन कौन सा निकल जाएगा, थर्ड। इलस्ट्रेशन फोर, इलस्ट्रेशन फोर क्या है, इलस्ट्रेशन फोर फिर पजल टाइप का क्वेश्चन है। कैसे हमें उस पजल को सॉल्व करना है उसकी हम बात करते हैं। तो देखो इलस्ट्रेशन फोर, X Limited has a current ratio 3.5 ratio 1. Current ratio 3.5. Quick ratio at 2 ratio 1. Excess of current assets, our quick assets represented by inventory is 24,000. Inventory 24,000. Current assets and current liabilities calculations aapko karna hai. So given hai current ratio 3.5 ratio 1. गिवन है क्विक रेशियो 2:1, गिवन है इन्वेंट्री 24,000। इससे आपको करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज की कैलकुलेशन है। तो करंट एसेट्स से रिलेटेड या करंट लायबिलिटीज से रिलेशन कुछ है क्या इन्वेंट्री का, करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटीज से कोई रिलेशन है क्या इन्वेंट्री का। तो एक रिलेशन है, रिलेशन क्या है, इन्वेंट्री इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स में से अगर करंट एसेट्स में से लिक्विड एसेट्स को लेस कर दिया जाए तो आपके पास रिजल्ट जो होगा वो होगा इन्वेंट्री। रिजल्ट क्या होगा, इन्वेंट्री। इसमें बोला भी है इफ एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स आवर क्विक एसेट्स रिप्रेजेंटेड बाय इन्वेंट्री, यानी इन्वेंट्री कैसे निकल सकता है, इन्वेंट्री करंट एसेट्स माइनस लिक्विड एसेट्स। अब इन्वेंट्री का अमाउंट है 24,000, लेकिन सिंगल अमाउंट है, सिंगल अमाउंट का कभी भी कोई यूज नहीं है। तो क्या हमें इनकी कुछ अमाउंट पता है, इनकी अमाउंट तो नहीं है लेकिन इनका जो स्मॉल डिजिट है वो पता है। करंट एसेट्स का स्मॉल कितना है 3.5 माइनस लिक्विड का स्मॉल कितना है 2, इट मींस इन्वेंट्री है 1.5। इन्वेंट्री कितना गया 1.5, फॉर्मूला नहीं। अब 1.5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 24,000, तो क्या करंट एसेट्स कैलकुलेट हो सकती है, करंट एसेट्स इज इक्वल टू 24,000 डिवाइडेड बाय 1.5 मल्टीप्लाई 3.5, पॉइंट से पॉइंट कट और डिवाइडेशन देना स्टार्ट कर दो। और कितना जाएगा, लेकिन करंट लायबिलिटीज का रिलेशन किससे, करंट एसेट से है। ये करंट एसेट से करंट लायबिलिटीज,
क्या हमें इसकी रिप्रेजेंट पता है क्या 3.5 का? बिल्कुल, अब इस 3.5 का रिप्रेजेंट पता है 56,000। संदीप जी, संदीप जी ये नया जो रिप्रेजेंट कर रहा है 3.5 को मल्टीप्लाई 1 पॉइंट डेटा के ऊपर 0 ले लो और 35 पे डिवाइड कीजिए। जैसे 35 पे डिवाइड कीजिए दोगे आपके पास आपकी करंट लाइब्रेरी से तैयार हो जाएगी। तो करंट लाइब्रेरी कितना जाएगा 1 और 16,000। इस तरीके से आपकी करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज कैलकुलेट हो गई, जो पजल टाइप का क्वेश्चन था। अगर किसी को कोई स्पेशल कोई क्वेश्चन की पूछना है तो वो पूछ सकता है, कोई एग्जांपल पूछना हो। अभी किसी ने इंडिया सेंस दिया था, वो भी एग्जांपल वो कहा था सर illustration 14 और 21 का भी बताना। चलो वो देखो, एक हमारे पास डिमांड आई है कि illustration 14 और 21 को एक्सप्लेन करना है, तो चलो पहले उनको कर लेते हैं जो डाउट्स है, क्योंकि आज हमने डाउट क्लास ही तो लेनी, जिसके कोई डाउट्स है वो डाउट्स क्लियर करेंगे। तो 14 का illustration हमारे स्टूडेंट को डाउट है वर्षा को, तो हम उसको सॉल्यूशन करते हैं। देखो 14 किसी को डाउट होगा उसी क्वेश्चन को पहले लेंगे। देखो क्वेश्चन कर रही है तो देखो ये क्वेश्चन 14 क्या है। इलस्ट्रेशन 14 को करोगे Inventory turnover ratio is 8 times. If he sells goods at a profit of 20% on revenue from operation, अगर वो अपना goods 20% profit पर, जो revenue from operation पर बेचता है, तो find out gross profit, तो बताओ gross profit कितना? तो first of all हमें एक answer मिला हुआ है, वो किसका मिला हुआ है? Inventory turnover ratio का answer मिला हुआ, जो 8 times है, तो हमें वो formula जरूर लगाना चाहिए। Formula क्या है? Inventory वर्षा फॉर्मूला बोलो देखिए एक बार। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंटरी। थोड़ा सा वो स्पीकर में या वो ईयरफोन लगा के बोला बेटा, ठीक है ना, ऐसे सुन पाए नहीं क्या होगा। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू कितना 40,000 गिवन नहीं है कॉस्ट। तो चलो कॉस्ट निकाल लेते हैं, आपका मैथ का रूल है ना वो ट्रांसफर कर दो, तो कॉस्ट इज इक्वल टू
40,000 मल्टीप्लाई में 3,20,000। ये तो साहब आपके कॉस्ट आ गए 3,20,000, लेकिन मुझे कॉस्ट नहीं चाहिए, मुझको क्या चाहिए? ग्रॉस प्रॉफिट। तो क्या ग्रॉस प्रॉफिट से कॉस्ट का कोई रिलेशन है? बिल्कुल रिलेशन। एक फॉर्मूला होता है सेल्स यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू कॉस्ट यानी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। ये इसका रिलेशन। इस रिलेशन में मुझे कॉस्ट पता है 3,20,000, लेकिन सिंगल अमाउंट से कभी कोई रिजल्ट नहीं लगा, तो इसका तो यूज नहीं कर सकता। नेक्स्ट, तो इस फॉर्मूले को करूं कैसे? तो मुझे पता है मेरा प्रॉफिट है 20%, तो ग्रॉस प्रॉफिट है 20%। किस पर? सेल्स पर। इट मींस सेल्स है 100, तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 80। 80 प्लस 20 इज इक्वल टू 80 प्लस 20 इज इक्वल टू 100। ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में बताओ मेरे पास क्या कीमत है? कॉस्ट जो रिप्रेजेंट करती है 80 को। मुझसे क्या पूछा गया है? ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट आप निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा ग्रॉस प्रॉफिट? ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 3,20,000 डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाई 20। 0 से 0 ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 80,000। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा? 80,000। ये तैयार ग्रॉस प्रॉफिट किया गया। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो गिवन है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो गिवन है, तो उससे हमने कॉस्ट को फाइंड आउट किया 3,20,000। जैसे कॉस्ट फाइंड आउट हुआ तो कॉस्ट का फॉर्मूला होगा सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस जीपी। इसमें मुझे परसेंटेज बताया, परसेंटेज दो को बता दी, क्योंकि परसेंटेज किसी पर फाइंड आउट होती है। तो जीपी थी 20% सेल्स पर 100, इट मींस कॉस्ट 80। अब 80 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 3,20,000 को, तो 20 निकालना है 80,000। कंप्लीट इलस्ट्रेशन 14। पूछो भाई किसी को डाउट है इलस्ट्रेशन 14 में? इलस्ट्रेशन 14 में कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन और कौन सा बोला था? और इलस्ट्रेशन कौन सा था आपका? 21। देखो ये आपने क्या पूछा है, गिवन प्रॉफिट नेट प्रॉफिट क्यों नहीं हुआ? साफ साफ बोला क्वेश्चन में, इफ ही सेल गुड्स एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, गुड्स की सेल पर जो प्रॉफिट है, गुड्स की सेल पर जो प्रॉफिट होता है वो ग्रॉस प्रॉफिट होता है, क्योंकि ट्रेडिंग में आप परचेज सेल्स दिखाते हो, ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना? सेल के जो प्रॉफिट होता है वो ग्रॉस प्रॉफिट होता है। फॉर्मूला ये तो है, सेल इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस जी। तो सेल्स पे जो प्रॉफिट होता है वो ग्रोथ, ठीक है? सेल्स पे जो प्रॉफिट है उसको क्या मानेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है? ओके, क्वेश्चन नंबर 21, इलस्ट्रेशन 21। देखते हैं इलस्ट्रेशन 21 क्या है। देखो इसमें झूला क्या है, कुछ अजीब सा क्वेश्चन है, काफी पॉइंट्स वाइंस है, लेकिन इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखो क्या चीज है, ग्रोथ प्रॉफिट रेशियो ऑफ कंपनी वाज
25%, जो ग्रॉस प्रॉफिट है कंपनी का वो 25%। फिर क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वाज 29, जो क्रेडिट रेवेन्यू है वो 20 है, तो जो रेवेन्यू है वो क्रेडिट बोला है, तो ये कैश की है, तो कैश और क्रेडिट दो गई। जो क्रेडिट रेवेन्यू है वो 20 लाख, 20 लाख, एंड इट्स कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 10% ऑफ टोटल रेवेन्यू, 10% ऑफ टोटल रेवेन्यू, यानी अगर कैश 10% है तो टोटल रेवेन्यू है 100%, इट मींस क्रेडिट कितनी है 90%। ये तो है रेवेन्यू इज इक्वल टू कैश और क्रेडिट हो सकता है। कैश जो है वो 10% है टोटल का, कैश है 10% है किसका, टोटल का, इट मींस टोटल 100 है, तो कैश 10% है तो क्रेडिट कितना है 90%। तो क्या हम टोटल रेवेन्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल रेवेन्यू निकाल सकते हैं, टोटल रेवेन्यू कैसे निकलेगा, 20 लाख डिवाइडेड बाय 90 और मल्टीप्लाई 100, टोटल रेवेन्यू क्या जाएगी, टोटल रेवेन्यू। इस फॉर्मूले से वो परसेंटेज वाला करते हैं ना, परसेंटेज वाला अप्लाई कर दिया तो आपको कितना आएगा, लगभग आ जाएगा 22,220.2222 जाएगा, तो 22,22,222, तो 22,22,222 नेट जो प्रॉफिट है आपका, जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 25% कितना परसेंट है, 25%। अब 25% किसका होगा, कुछ नहीं बोला तो किसका होगा, आपका रेवेन्यू का होगा, तो आप जीपी निकाल लो, ग्रॉस प्रॉफिट सब्स्टिट्यूशन में ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 22,22,220 का 25%, इट मींस 4 कितना आएगा, 5,55,555, 5,55,555 ग्रॉस प्रॉफिट, क्या क्या ग्रॉस प्रॉफिट है, और क्या बोला क्वेश्चन में, जो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ कंपनी है वो है 50,000, कितना है 50,000, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस कर दो 50,000, क्योंकि नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑल एक्सपेंसेस जो भी एक्सपेंसेस है, तो कितना आ गया 5,05,505, क्या आ गया नेट प्रॉफिट, फाइनल प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, और कैलकुलेशन क्या करवाया, नेट प्रॉफिट रेशियो, तो नेट प्रॉफिट रेशियो का फार्मूला लगा, तो नेट प्रॉफिट रेशियो का फार्मूला क्या, नेट प्रॉफिट 5,05,555 अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है 22,22,222 मल्टीप्लाई 100, इज इक्वल टू जितना परसेंट आए, तो इसके अंदर कितना परसेंट आ रहा है 22.75%। वापस से समझना, आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया क्रेडिट 20 लाख, लेकिन कैश की परसेंटेज दी, और वो भी कैश की परसेंटेज किस पे दी, टोटल का, तो टोटल को 100 बना तो कैश हुआ 10, तो क्रेडिट कितना हुआ 90, अब 90 को रिप्रेजेंट करने वाला कौन था 20 लाख, तो 90 को रिप्रेजेंट करने वाला 20 लाख था, तो उसके अकॉर्डिंग रेवेन्यू निकाले टोटल 22,22,222। अब ये निकाल लिया तो इस पर आप ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हो, ग्रॉस प्रॉफिट कितना परसेंट है 25%, 25% निकाल लिया, 5,55,555 ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट से बनाना है नेट प्रॉफिट, तो जितने भी एक्सपेंसेस हैं आपके पास अवेलेबल, जो भी एक्सपेंसेस हैं उनको क्या कर लो, लेस कर दो,
लेस कर दिया 15,000 तो नेट प्रॉफिट आया 5 लाख 5,555 और उसके बाद में नेट प्रॉफिट का फाइनल नेट प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई कितना है 22.75। ये आपका आ गया आज का रेशियो। आया क्या समझ में? हाँ भाई और सर कोई डाउट हो तो वापस से पूछ लेना। दे तो आज से इसी क्लास रखेंगे, मंडे को अपना होमवर्क चेक कराओगे सभी सभी मंडे को अपना होमवर्क चेक कराएंगे।